हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 इंचेस यानी कि 42 इंच ब्लाउज़ की, कटोरी ब्लाउज़ की हम कटिंग देखने वाले हैं। तो चेस्ट है 42 इंचेस, उसका 1/4 है 10.5 इंच, लंबाई है ब्लाउज़ की 14 इंच, गला फ्रंट साइड 6 इंच, बैक साइड 9 इंच, बाजू की लेंथ है 6 इंच और चौड़ाई में 6.5 इंच। अब इसकी कटिंग देखते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये पेपर लिया है, पेपर को हमने इस तरह से एक बार फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पहले हम लंबाई है हमारी 14 इंच, तो हम 15 इंच लेंगे। 14 इंच हमारी लंबाई है तो हम 15 इंच ले लेते हैं। 1 इंच हमारा सिलाई के लिए चाहिए। यहाँ पे चेस्ट का 1/4 है हमारा 10.5 इंच, तो हम 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। हम 2.5 इंच पे गले का मार्किंग कर लेते हैं, शोल्डर का मार्किंग करेंगे हम 5.5 इंच पर। यहाँ पे हमें 6.5 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमने ये 6.5 इंच पे आर्म होल की मार्किंग की है। गले की लेंथ है हमारी 6 इंच, हम 6 इंच पे मार्किंग करके इसका हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमें फ्रंट साइड का आर्म होल लेना है 1.5 इंच पे और बैक साइड का आर्म होल लेना है 2 इंच पे। अब ये जो है, यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देते हैं। अब ये जो है गला, इसका राउंड शेप बनाते हैं। यह हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और इस साइड से भी 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन लगानी है। इस सीधी लाइन पे हमें कटोरी का नाप लेना है, तो ये लेंगे हम 6.5 इंच पे। जितना भी आपका कटोरी का नाप होगा, उतना आप 6 इंच हो या 6.5 इंच, जितना भी आपका नाप होगा उतना हमें ये 2.5 इंच की जो लाइन लगाई है उसके ऊपर लेना है। यहाँ पे जो फ्रंट साइड की गोलाई है वहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। अब ऊपर के साइड से नाप लोगे तो भी चलता है, जैसे ब्लाउज़ का जो नाप होता है शोल्डर से जो कटोरी ज्वाइंट करते हैं वहाँ तक नापेंगे तो भी चलता है, उसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे 1 इंच लेंगे तो भी चलता है। तो ये तीनों जो पॉइंट है उसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ये तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइंट किया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच हम कमर के साइड में कट करेंगे। यहाँ पे हमें इसको आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे ये हमने बैक साइड कट की है, अब ये फ्रंट साइड कट करेंगे। यहाँ हमें गले की कटिंग करनी है। अब इसको बीच में से इसको कट कर लेते हैं। जैसे फ्रंट या बैक साइड दोनों हम अलग अलग करेंगे। ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड कट किए हैं। अब ये जो कटोरी है इसको हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाना है। अभी यहाँ पे हमने ये जो कटोरी था वो निकाला है और इसके ऊपर, जैसे ये जो पेपर है हमारा, इसके ऊपर हमने इसको रख के फिर यहाँ पे हमें ये जैसा है वैसा है पहले हम निकालते हैं।
इस तरह से हमने ये पहले जैसा है वैसा है पहले हमने निकाला है। तो यहाँ पे हमें इसके सेंटर निकालना है। सवा तीन इंच तो हम सेंटर निकाल के यहाँ पे हम डेढ़ इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। अब ये जो सवा तीन इंच है तो पहले हमें यहाँ से ये सेंटर में हमने डेढ़ इंच लिया है, यहाँ हम टक्स के लिए डेढ़ इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। और ये जो सवा तीन इंच है हम इसके आगे ले लेंगे, ये सवा तीन इंच पे हम इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं। और एक्स्ट्रा सिलाई में जितना आपका एक्स्ट्रा जाता है उतना आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस साइड से भी हमें डेढ़ इंच पे एक मार्किंग करनी है और सवा तीन इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, जैसे ये हाफ जो पोर्शन है और जितना आपका सिलाई में एक्स्ट्रा जाता है उतना आपको ज़्यादा लेना है। यहाँ पे हमें इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा सिलाई में जितना आपका जाता है उतना एक्स्ट्रा लेके इस तरह से उसको ज्वाइंट करना है। यहाँ भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके उसको हमें ज्वाइंट करना है इस तरह से। अब जो बाहर के साइड हमने मार्किंग किया है अब इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इस तरह से इसको कट किया है। अब यहाँ आधा इंच की गोलाई देनी है, इस तरह से आधा इंच की हमने ये गोलाई दी है। वन साइड इस साइड से ही हमें आधा इंच की गोलाई देनी है और गला जो है उसको शेप में इसको राउंड शेप में इसको अच्छे से कट करना है। तो हमने ये कटोरी की कटिंग की है, तब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। अब स्लीव्स के लिए हमने ये पेपर लिया है, पेपर को इस तरह से हमने ये एक बार फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद बंद बाजू हमने अपने साइड में रखी है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल क्रॉस में नापना है, यहाँ से यहाँ तक ये यह आता है हमारा 1.25 इंच। तो बाजू की चौड़ाई हम जैसे 1.25 इंच आता है तो इसमें हमें आधा इंच प्लस करना है, तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच लेना है। ये निकलती है बाजू की चौड़ाई, जितनी भी आपकी लेंथ होगी, जैसे बाजू की लेंथ है 5 इंच तो हम 6.5 इंच लेंगे, तो जितनी भी आपकी बाजू की लेंथ होगी उसमें आप 1.5 इंच प्लस करना है। यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है, यहाँ 1 इंच पे सीधा लेना है और यहाँ पे भी हमें 1 इंच पे सीधा लेना है। अब इसको हमें बाजू का शेप देना है। अब इससे हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। तो यहाँ जो क्रॉस पट्टी जो है नीचे जो क्रॉस पट्टी आती है उसको हमें जैसे गले के साइड से हमें 4 इंच लेना है और आर्मोल के साइड से हमें 3 इंच लेना है। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से 42 इंचेस यानी कि 42 इंच की कटोरी ब्लाउज़ की हमने ये कटिंग देखी है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।